हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गणेश। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे 7th दिवाली स्टेज 2022 के पार्ट 3 में। वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे टैप कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों एक स्काई शॉट, बहुत ही अमेजिंग स्पाइडर इफेक्ट का, मर्कुरी का क्रेजी स्पाइडर देखते इस पर चलता है। ये 1120 एमआरपी के साथ आता है, हमें बॉक्स पड़ता है 500 का रिटेल में और 450 का होलसेल में, ग्रीन क्रैकर्स में आता है। अंदर 2.5 इंच के बहुत ही बड़े साइज के शेल्स है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। एक पीस अगर मैं बाहर निकाल कर दिखाऊँ तो कुछ इस प्रकार का है, काफ़ी अमेजिंग पैकेजिंग है। फ्यूज कुछ इस प्रकार ग्रीन कलर में आता है, बेस और टॉप वार्ड कुछ इस प्रकार का, और ये 2 इंच का शेल है। देखते कितना अमेजिंग स्पाइडर इफेक्ट का करता है आकाश में। चलिए इसे चला कर देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों बहुत ही अमेजिंग ग्राउंड चक्कर डॉलर इफेक्ट करने वाली, ये मर्कुरी का डॉलर व्हील। हमारे पास 2 बॉक्सेस की होलसेल पैकेजिंग है। पर बॉक्स एमआरपी की बात करें दोस्तों तो लिखिए यहाँ पर 460 रुपीज़, और पर बॉक्स कॉस्ट हमें पड़ जाती है 200 की रिटेल में, यानी कि सिंगल बॉक्स में, और होलसेल में पर बॉक्स कॉस्ट पड़ी हमें 180 की। देखते इस प्रकार का है अंदर से। तो यहाँ पर 2 बॉक्सेस कुछ इस प्रकार के आ जाते हैं। अब एक बॉक्स को खोलते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की डॉलर व्हील्स हैं मर्कुरी ब्रांड की। एक बॉक्स के अंदर एक पीस देखे तो कुछ इस प्रकार का है, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मुझे लगता है ये ज़ोरदार सीटी मारेगा 2 बारी और शायद डॉलर वाला इफेक्ट भी करे। चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सनशाइन का फ्लावर पॉट्स अशोका, ये काफ़ी रेगुलर लाते रहते हैं हम। हमारे पास इसके 3 बॉक्स है यहाँ पर और 2 बैकग्राउंड में। इसकी एमआरपी इस साल 360 रुपीज़, और हमें दोस्तों ये बॉक्स देखने को मिल जाता है 180 का। 10 पीस आते हैं इसके अंदर होलसेल में 150 का। बड़े साइज के ग्रीन इफेक्ट करने वाले अनार हैं, काफ़ी अमेजिंग चलते हैं। एक पीस कुछ इस प्रकार का है, चलिए इसे टेस्ट करके हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है श्रीराम फायरवर्क्स का किट कैट, चिटपुट है, ग्रीन क्रैकर्स में आता है। एमआरपी इसकी 80 रुपीज़, हमें बॉक्स देखने को मिल जाता है 30 का। अंदर कुछ इस प्रकार के चिटपुट हैं छोटे साइज के, काफ़ी अमेजिंग चलते हैं ये। एक पीस कुछ इस प्रकार का है, देखते हैं इसकी क्रैकलिंग किस प्रकार की रहती है। चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों बुलेट फ्लैश स्पेशल, कृष्णास ब्रांड का बुलेट क्रैकर भी है और ज़ोरदार फ्लैशिंग भी करता है। यहाँ पर इसकी एमआरपी है 106 रुपीज़, हमें बॉक्स देखने को मिल जाता है 50 का रिटेल में और 40 का होलसेल में। अंदर कुछ इस प्रकार के बुलेट क्रैकर्स है बड़े साइज के, ज़ोरदार आवाज़ करेंगे। एक पीस कुछ इस प्रकार का है दोस्तों, देखते कैसी है इसकी लाउडनेस और साउंड। चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों सनशाइन ब्रांड की बारबी कैंडल पेंसिल है, ये मीडियम साइज़ की। एमआरपी 135, हमें बॉक्स देखने को मिल जाता है 80 का रिटेल में और 60 का होलसेल में। अंदर कुछ इस प्रकार की पेंसिल्स हैं, टोटल 10 पीस आते हैं दोस्तों इसके अंदर। बहुत ही अच्छी हैंडल पार्ट क्लियरली स्पेसिफाइड है, यहाँ से चलाई जाती हैं और इसका इफेक्ट आगे को रहता है तो काफ़ी तक सेफ रहती है और क्रैकर चलाने में काफ़ी आसानी देती है। चलिए इन्हें टेस्ट करके देखते हैं किस प्रकार के इनका इफेक्ट है और कैसी इनकी ड्यूरेशन।
नेक्स्ट हमारे पास है सनराइज का बेबी रॉकेट, बहुत ही छोटे साइज का बॉक्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी एमआरपी 122 रुपीस, हमें बॉक्स 20 रुपीस का देखने को मिल जाता है। अंदर 10 पीस रॉकेट की कुछ इस प्रकार के आते हैं और रिटेल में ये बॉक्स पड़ता है 40 का, एक पीस कुछ इस प्रकार का है दोस्तों, ये 1 फीट के रॉकेट होंगे लगभग, देखते हैं इस प्रकार का इफेक्ट करते हैं ये, चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वार्डिवल का फ्लावर पॉट जाइंट, जाइंट साइज के अनार, शायद ग्रीन इफेक्ट भी करे। इसकी एमआरपी की बात करें दोस्तों लिखिए 950 960, और हमें दोस्तों ये बॉक्स देखने को मिल जाता है लगभग 70% ऑफ में, यानी कि 230 का। यहाँ पर 10 पीस आते हैं इसके अंदर और होलसेल में दोस्तों 200 का बॉक्स भी मिल सकता है। अंदर कुछ इस प्रकार के अनार हैं दोस्तों, एक पीस देखे तो कुछ इस प्रकार का, शायद ग्रीन इफेक्ट करेंगे, ग्रीन इफेक्ट की ग्रीन फॉइल लगी इसके ऊपर, देखते इस प्रकार चलता है ये फ्लावर पॉट और जाइंट साइज है, कितनी देर और कितनी हाइट पकड़ता है इसका इफेक्ट, चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों रविंद्रास का वेला जियो, इसकी एमआरपी की बात करें दोस्तों तो इस साइड लिखी है 544 रुपीज़, हमें बॉक्स देखने को मिल जाता है 400 का होलसेल में और 500 का रिटेल में। अंदर कुछ इस प्रकार बहुत ही बड़े साइज़ के आपको स्काई शॉट देखने को मिल जाते हैं, एक पीस कुछ इस प्रकार का है, फ्यूज़ काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और आकाश में इफेक्ट कुछ इस प्रकार का ब्लू बबल्स वाला रहने वाला है, बहुत ही अमेजिंग 2.5 इंच का शेल है, हाइट अच्छी पकड़ेगा, चलिए स्काई शॉट को टेस्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोन ग्रेनाइट क्रैकर्स, काफी यूनिक क्रैकर, एमआरपी नहीं लिखी लेकिन हमें बॉक्स 100 का में देखने को मिल जाता है। अंदर 10 पीस कुछ इस प्रकार के ग्रेनाइट क्रैकर्स के होते हैं जो एक टॉय की तरह लग रहे हैं दोस्तों, यहाँ फ्यूज कुछ इस प्रकार का दिया गया है, लाइट वेट है यानी कि जोरदार आवाज होने वाली है, देखते किस प्रकार का चलता है ये ग्रेनाइट क्रैकर, चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको वीडियो देखने में काफी मजा आएगा, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को नीचे शेयर बटन दबाकर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए किसी भी सोशल मीडिया साइट पे, ताकि वो भी इस वीडियो का मजा ले सके। आपसे मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।